Hello everybody, good to have you all. I hope you must be fine and I'm also good over here. So today we are going to study very important structure. आप अक्सर घर में सुनते होंगे जैसे आप बहुत से खिलौने खरीद रहे हैं और आपके पेरेंट्स कह रहे हैं इतने ज़्यादा खिलौने खरीदने से क्या फ़ायदा, या कोई भी सामान खरीद रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि इतने सामान खरीदने से क्या फ़ायदा, आप बुक्स ला रहे हैं, ठीक है, आप बुक्स लाते हैं मगर पढ़ते नहीं हैं, तो बुक्स खरीदने से क्या फ़ायदा जब तुम पढ़ते नहीं हो, ठीक है, या बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली आपको दुकान पे बैठना है या आपको फादर के बिजनेस करना है, तो आपके फ्रेंड करते हैं इतना पढ़ने से क्या फ़ायदा जब तुम्हें दुकान पे बैठना ही है। तो इस तरह के सेंटेंस देखेंगे, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ, तो हम पढ़ेंगे वॉट इज़ द यूज़ ऑफ, क्या फ़ायदा करने से, क्या फ़ायदा, क्योंकि वो काम आप कर रहे हैं जिससे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, जिससे रिज़ल्ट अनसक्सेसफुल मिलेगा, रिज़ल्ट क्या होगा, सक्सेस नहीं मिलेगा, तो वॉट इज़ द यूज़ ऑफ, तो ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लेट अस सी द एग्जांपल, ओके, सो वॉट इज़ द यूज़ ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, क्या फ़ायदा उसके बारे में बात करने से, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्या फ़ायदा पास के बारे में बात करने से जो बीत गया, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ आर्गुइंग विद हर, क्या फ़ायदा बहस करने से उससे, मतलब कोई फ़ायदा नहीं बहस करने से, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ वरिंग अबाउट इट, क्या फ़ायदा परेशान होने से, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ स्टडिंग इंग्लिश इफ़ यू वॉन्ट स्पीक इट, क्या फ़ायदा इंग्लिश पढ़ने से अगर तुम उसको बोल नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो आपको पहले यूज़ करना है वॉट इज़ द यूज़ ऑफ, क्या फ़ायदा, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है, वर्ब क्या है, एक्शन है, स्पीकिंग, टॉकिंग, क्राइंग, आर्गुइंग, वरिंग, स्टडिंग, ठीक है, सिटिंग, स्टैंडिंग, टॉकिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, रनिंग, ये वर्ब एक्शन है, और उसके बाद यूज़ करना आपको ऑब्जेक्ट। तो वॉट इज़ द यूज़ ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, क्या फ़ायदा इसके बारे में बात करने से, वॉट इज़ यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्या फ़ायदा, स्पिल्ट मिल्क इज़ अ फ्रेज, तो यूज़ करते हैं पास के लिए, पास के लिए क्या फ़ायदा रोने से पास के लिए, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ आर्ग्यूइंग विद हर, क्या फ़ायदा उससे बहस करने की, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ वरिंग अबाउट इट, क्या फ़ायदा परेशान होने से, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ स्टडिंग इंग्लिश इफ़ यू वॉन्ट स्पीक, तो क्या फ़ायदा इंग्लिश पढ़ने से अगर उसको बोल नहीं सकते, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई होप यू एंजॉय रीडिंग इट एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ ग्रेट डे।